नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एजुकेशनल टॉपिक पर है, आईपीएल। जब मैं आईपीएल शब्द का इस्तेमाल करता हूं, आपके दिमाग में फन, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स जैसी चीजें आती होंगी। कभी भी आपने साइंस और एजुकेशन को आईपीएल से ज्यादा रिलेट नहीं किया होगा, लेकिन आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे कि आईपीएल जैसी चीजों में भी साइंस कितना बड़ा रोल प्ले करती है। डेटा साइंस के जरिए कैसे एक विनिंग आईपीएल टीम बनाई जा सकती है कम से कम पैसे स्पेंड करके, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको ना सिर्फ आईपीएल के पीछे की साइंस के बारे में समझाऊंगा, बल्कि एक इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन भी आपके लिए इंट्रोड्यूस करूंगा। लेकिन हमेशा की तरह बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये डेटा क्या है? डेटा बेसिकली किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन है। इस पेड़ पर पत्ते कितने लगे, डेटा है। आपकी आइसक्रीम का फ्लेवर क्या है, पूरे यूनिवर्स में कितने स्टार्स हैं, कितने परसेंटेज लोग सरकार को पसंद करते हैं, ये सब कुछ डेटा है। आपको अपनी आसपास की जिंदगी में हर जगह बहुत सारा डेटा देखने को मिलेगा, लेकिन इतना सारा डेटा किसी काम का नहीं है अगर हमारे ये किसी काम में ना आए तो। हमें ये जानना जरूरी है कि कौन सा डेटा काम का है, किसे हमें एनालाइज करना चाहिए और कैसे हम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करके उस डेटा को किसी काम में ला सकते हैं। अब इस पेड़ पर पत्ते कितने लगे हैं ये काउंट करके क्या कर लेंगे हम, किस काम का हुए है? ये यूजलेस डेटा है, हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन जो कितने परसेंटेज लोग सरकार को पसंद करते हैं, ये यूजफुल डेटा है। ये पॉलिटिक्स में काम आएगा, सरकार के लिए काम आएगा कि क्या उन्हें चेंज करना चाहिए, कैसे वो अपने आप को बदल सकते हैं, कैसी बाद में इलेक्शन में काम आएगा ये चीज। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ डेटा का रिकॉर्ड रखने का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसे एनालाइज ना कर सको, कंपेयर ना कर सको और इंप्रूव ना कर सको। मान लो आप कैलोरीज काउंट करते हो, हर दिन कितनी आप खा रहे हो, ब्रेकफास्ट के टाइम आप लिखते हो कितनी कैलोरीज खाई, लंच में, डिनर में, हफ्तों तक ये करते रहते हो। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास ये रिकॉर्ड रहेगा, आप इसे किसी चीज से कंपेयर नहीं करोगे कि मुझे कितनी कैलोरीज खानी चाहिए और अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करोगे, तो ये डेटा किसी काम का नहीं रहेगा। यहाँ पे डेटा को ऑब्जर्व करना, डेटा को रिकॉर्ड करना, उसे एनालाइज करना, स्टडी करना और फिर उसे किसी काम में लाना, उस इंफॉर्मेशन को, इसी प्रोसेस को कहते हैं दोस्तों डेटा साइंस। डेटा साइंस के जरिए आप किसी भी डेटा को इंटरप्रेट करते हो, उससे यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालते हो ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो आपकी मदद कर सके। स्मार्ट वॉचेस का एग्जांपल मैं लेता हूं। आजकल काफी स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं जो आप घड़ी की तरह पहनते हो और रात भर उन्हें पहन के सोओगे तो वो आपकी स्लीप ट्रैक कर सकती है कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी थी, आपका हार्ट रेट मेजर करेंगी, वो ये बताएंगी कि कितने घंटे आप सोए थे रात में। तो अगर आप वो एक रात पहन के सोए हो मान लो और 8 घंटे की नींद आपने करी, तो वो एक रात की 8 घंटे की नींद एक डेटा पॉइंट बन गई। अगली रात आप 7 घंटे के लिए सोते हो, वो दूसरा डेटा पॉइंट बन गया। ऐसे हफ्तों तक वो स्मार्ट वॉच आपकी स्लीप को ट्रैक करेगी और बताएगी कि आपकी स्लीप क्वालिटी कैसी थी, कितने घंटे आप सोए थे। और ये महीनों साल भर तक किया गया तो इससे काफी यूजफुल डेटा निकल सकता है। आप सारे 365 डेटा पॉइंट्स को देखकर ये देख सकते हो कि आपकी नींद वीकेंड्स में ज्यादा अच्छी होती है या वीकडेज में ज्यादा अच्छी होती है। आप 10 बजे सोते हो तो ज्यादा अच्छी नींद आती है या फिर 11-12 बजे सोने पर ज्यादा अच्छी नींद आती है। आप ये भी बता सकते हो साल भर में एनालिसिस करके कि किन महीने आप ज्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजरे थे। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत है। मान लो अपनी स्मार्ट वॉच के जरिए स्लीप ट्रैक करने के साथ साथ आपने अपने कैलोरीज को भी ट्रैक किया पूरे साल भर के लिए, तो आपको ये पता है कि आपने हर दिन हर मील में कितने फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स खाए। अब दोनों डेटा सेट्स को यहां पर अगर आप कंबाइन करोगे तो आप ये पता लगा सकते हो कि किस दिन आपकी नींद ज्यादा अच्छी थी, जब आपने ज्यादा फैट्स, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाए या प्रोटीन ज्यादा खाए। और इसके बेसिस पे, साल भर के डेटा के बेसिस पे, आप ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि ओवरऑल आपकी नींद ज्यादा अच्छी तब होती है जब आप कम फैट्स खाते हो, प्रोटीन ज्यादा खाते हो तो। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी एक्सरसाइज को भी ट्रैक करके इस डेटा सेट में इंक्लूड कर देते हो, तो आप एक एक्शन प्लान बना सकते हो अपने लिए कि मुझे फ्यूचर में कैसा खाना खाना चाहिए ताकि मेरी नींद अच्छी हो, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, फैट्स कम खाने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाने चाहिए। तो यही बेसिकली डेटा साइंस है और ये सिर्फ एक इंडिविजुअल की हेल्थ ट्रैकिंग के लिए नहीं बल्कि लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में से यूज किया जा सकता है। धमाल पिक्चर याद है? धमाल का जो फर्स्ट मूवी आई थी उसमें आदि मानव का एक डायलॉग था, जब वो गाड़ी को लेकर ब्रिज के पीछे खड़े थे, जंगल से गाड़ी को ले जा रहे थे। वो कहता है कि ये ब्रिज टूटा हुआ है यहाँ पर, लेकिन गाड़ी को अगर 45 डिग्री के एंगल पे इतनी स्पीड से कुदाओगे तो गाड़ी ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी। तो ये डेटा साइंस ही था अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता। लेकिन इन चीजों को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि ब्रिज का डिस्टेंस कितना था, हाइट कितनी थी, गाड़ी का वजन कितना था, कितनी स्पीड से अगर गाड़ी को लाते तो उसे कुदाया जा सकता था और फिर इवेंचुअली आंसर निकाला जा सकता था। लेकिन इस टाइप का डेटा थोड़ा यूजलेस है। अगर क्रिकेट में आप ये पता लगाना चाहोगे कि बैट्समैन का बैट कितने
एंगल से यहां पर घूम रहा था, कितनी वेलोसिटी से बॉल कौन से पॉइंट पर आकर लग रही थी, क्रिकेटर को किस एंगल से बैट को घुमाना चाहिए, ये बहुत ही यूजलेस है क्योंकि पहली बात तो इसे रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल है कि अच्छा ये बॉल कहाँ लगी थी, कितनी दूर, किस एज पे बॉल लगी थी, कितनी वेलोसिटी से बैट घूमा था, और अगली बारी बैट्समैन को कितनी वेलोसिटी, कितने एंगल से बैट घुमाना पड़ेगा, ये रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन क्रिकेट और आईपीएल में डेटा साइंस का थोड़े अलग एस्पेक्ट से बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आईपीएल के ऊपर वापस आए तो क्रिकेट में किस तरह से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो जो एक्चुअली में यूजफुल हो। पुराने टाइम में टेस्ट मैचेस होते थे दोस्तों, टेस्ट मैचेस के टाइम में आप जो डेटा पॉइंट्स कलेक्ट करते थे वो था कि एक बॉलर ने कितनी विकेट्स ली हैं, और बैट्समैन के लिए था कि बैट्समैन ने कितने रन स्कोर किए हैं। इसके बाद वनडे इंटरनेशनल ओडीआई मैचेस आई तो थोड़े और इंडिकेटर्स यूज किए जाने लगे, जैसे बैट्समैन के लिए स्ट्राइक रेट्स, बैट्समैन कितने स्ट्राइक रेट पे रन्स मारते हैं, और बॉलर्स के लिए इकोनॉमी रेट्स। एग्जाम्पल के तौर पे विराट कोहली की यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स देखिए, डेफिनेटली काफी यूजफुल डेटा है क्योंकि आप इससे बैटिंग एवरेज पता कर सकते हो, ये पता कर सकते हो कि एक बैट्समैन ने 100 से ऊपर रन कितनी बारी बनाए, हाईएस्ट स्कोर क्या हुआ करते हैं बैट्समैन के लिए, कितने मैचेस उन्होंने खेले हैं। और इसके बाद आया T20 क्रिकेट और 2008 में आईपीएल। आईपीएल ने पूरा रेवोल्यूशनाइज करके रख दिया क्रिकेट को, क्योंकि आईपीएल से पहले इतना ज्यादा पैसा क्रिकेट के अंदर कभी नहीं डाला गया था। अगर आप 2020 की जो आईपीएल ऑक्शन हुई थी उसे कंसिडर करेंगे तो उसमें टोटल में 400 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए थे प्लेयर्स को खरीदने में, जिसका इक्विवेलेंट है 57 मिलियन US डॉलर्स अप्रोक्सीमेटली। कितना ज्यादा पैसा स्पेंड किया जा रहा है आईपीएल में। आईपीएल में जो डेटा कलेक्शन होता है और डेटा एनालिसिस होता है ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है, क्योंकि इतना सारा पैसा स्पेंड किया जा रहा है प्लेयर्स को खरीदने के लिए, तो आईपीएल टीम्स के लिए जानना बहुत जरूरी हो गया है कि एक स्पेसिफिक प्लेयर पर अगर हम इतना पैसा स्पेंड करने वाले तो एक्चुअली में वो टीम के लिए कितना वैल्यूएबल होने वाला है, कैसे हम जज करें और डिटेल में जाकर कि इस प्लेयर को खरीदा जाना चाहिए, इस प्लेयर को नहीं खरीदा जाना चाहिए, इस प्लेयर पे इतने पैसे स्पेंड करने चाहिए, इस प्लेयर की वैल्यू इतनी है, इस प्लेयर की वैल्यू इतनी है। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, ऐसी ही डेटा एनालिसिस करने के लिए बाकायदा आईपीएल टीम्स प्रॉपर कंपनीज को हायर करने लग गई हैं जो इसी चीज में एक्सपर्ट हैं। परफॉर्मेंस एनालिटिकल कंपनीज जो ये एनालाइज करती हैं कि कौन सा प्लेयर कितना अच्छा है, और स्ट्रैटेजीज डेवलप करती हैं आईपीएल टीम्स के लिए। इन डेटा एनालिसिस कंपनीज के द्वारा बहुत ही डिटेल में प्लेयर्स की एनालिसिस करी जाती है जानने के लिए कि कौन सा प्लेयर इस एस्पेक्ट में अच्छा है, कौन सा उस एस्पेक्ट में अच्छा है। एक एग्जाम्पल दूं तो आपको, एक मेट्रिक जो ये यूज करते हैं वो है MVPI, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर इंडेक्स। इसमें अलग अलग एट्रीब्यूट्स दिए जाते हैं प्लेयर को और उसके बेसिस पे स्कोर निकाला जाता है। पहला है जैसे कि एक बैट्समैन की हार्ड हिटिंग एबिलिटी कितनी है, कितने चौके छक्के मारता है एक बैट्समैन, तो इसके लिए फोर्स प्लस सिक्सेस डिवाइडेड बाय बॉल्स प्लेड बाय द बैट्समैन। अपने करियर में एक आईपीएल बैट्समैन ने कितने चौके छक्के मारे हैं डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉल्स उन्होंने कितनी खेली है, इससे हार्ड हिटिंग एबिलिटी पता लग गई एक प्लेयर की। फिनिशिंग एबिलिटी कितनी है एक प्लेयर की, नॉट आउट कितनी बार रहा एक प्लेयर इनिंग्स में, प्लस डिवाइडेड बाय टोटल इनिंग्स कितनी खेली। कंसिस्टेंसी कितनी है, टोटल रन्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स आउट। रनिंग बिटवीन द विकेट्स कैसी है, टोटल रन्स माइनस फोर्स एंड सिक्सेस डिवाइडेड बाय टोटल बॉल्स प्लेड माइनस बाउंड्री बॉल्स। अब किसी बैट्समैन के लिए अगर ये वाला मैट्रिक ज्यादा अच्छा है और हार्ड हिटिंग वाला मैट्रिक कम है, तो अब ये अंदाजा लगा सकते हो कि ये बैट्समैन चौके छक्के मारने में इतना अच्छा नहीं है, लेकिन बाकी जो बॉल्स होती हैं उसमें सिंगल्स और टूज और थ्रीज लेने में बहुत अच्छा हुआ है बैट्समैन। सिमिलरली बोलिंग्स के लिए कुछ मेट्रिक्स हैं जैसे कि इकोनॉमी, रन स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बोल्ड बाय बॉलर, विकेट टेकिंग एबिलिटी कैसी है, क्रूशियल विकेट टेकिंग एबिलिटी कैसी है कि नंबर ऑफ टाइम्स 4 या 5 विकेट ली हो एक बॉलर ने, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इनिंग्स प्लेड। इन सब के बेसिस पे आप यह अंदाजा लगा सकते हो कि प्लेयर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेस क्या है, कोई प्लेयर चौके छक्के मारने में ज्यादा अच्छा है या रनिंग बिटवीन द विकेट्स में ज्यादा अच्छा है, कोई बॉलर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के साथ अगेंस्ट ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करता है राइट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट, कोई बैट्समैन स्पिनर बॉलर्स को ज्यादा अच्छा खेल पाता है या फास्ट बॉलर्स को ज्यादा अच्छा खेल पाता है, कौन से स्टेडियम में ज्यादा अच्छा खेल पाता है, किस टाइप के वेदर में, इस हद तक भी एनालिसिस करी जा सकती है। इसकी इंपॉर्टेंस वीरेंद्र सहवाग ने एक बड़ी बड़े अच्छे से बताई थी। एवरी गेम यू प्ले दे विल रिकॉर्ड योर बैड परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस, यू प्लेड अगेंस्ट विच बॉलर, यू स्कोर अगेंस्ट विच टीम, विच बॉलर, एंड दैट डेटा विल शो यू दैट यू आर गुड अगेंस्ट पाकिस्तान, यू आर नॉट गुड अगेंस्ट बांग्लादेश, यू आर गुड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, नॉट गुड अगेंस्ट इंग्लैंड। In 2003-04, when our computer analyst guy came in and he showed me videos, he showed me different kind of datas, and I got amazed. तो प्लेयर्स की ऑक्शनिंग के दौरान जिन आईपीएल टीम्स के पास ज्यादा पैसे नहीं है वो तो डेफिनेटली ये जानना चाहेंगे कि जिस प्लेयर को वो खरीदने लग रहे हैं क्या उनकी टीम के लिए वो सही में वर्थ इट है जितने पैसे वो उस पर स्पेंड करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स होते हैं, जो सबसे ज्यादा पैसे में बिकते हैं आईपीएल की ऑक्शन में, वो हमेशा टॉप परफॉर्मिंग प्लेयर्स नहीं होते आईपीएल के।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो शायद आईपीएल का फर्स्ट सीजन ही है जहां पर राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल जीता था, और राजस्थान रॉयल्स उस सीजन में वन ऑफ द चीपेस्ट टीम्स थी, यानी जितने पैसे उन्होंने प्लेयर्स को खरीदने में स्पेंड किए थे वो बाकी टीम्स के कंपैरिजन में काफी कम था, वन ऑफ द लोएस्ट था, लेकिन फिर भी उन्होंने आईपीएल को जीत लिया। अब प्लेयर्स की ऑक्शनिंग और टीम बनाना तो सिर्फ एक एस्पेक्ट है जहां पर डेटा साइंस को इस्तेमाल किया जाता है आईपीएल में, इसके बाद मशीन लर्निंग टेक्निक्स का मैच रिजल्ट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। मॉडल्स बनाए जाते हैं कंप्यूटर में जिसमें प्लेयर की पोजीशन, मैच की लोकेशन क्या है, उस दिन का वेदर क्या होगा, इन सबको एज अ वेरिएबल ऐड किया जाता है, और ये मॉडल्स पुराने रिजल्ट्स के बेसिस पे प्रिडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर का क्या रिजल्ट होने वाला है एक मैच का। जैसे मैंने स्लीप ट्रैकिंग स्मार्ट वॉच का एग्जांपल लिया था, एक साल तक आप डेटा रिकॉर्ड करोगे कि कितने टाइम पर सो रहे हो, क्या आपका हार्ट रेट है, तो अगले एक साल की आप प्रिडिक्शन कर सकते हो कि आप वीकेंड्स पे ज्यादा अच्छा सोओगे, वीकडेज में अच्छा सोओगे नहीं, इस टाइप का खाना खाना है। इसी तरह से दोस्तों अगर आप डेटा इनपुट करोगे पुराने मैचेस का कि इस लोकेशन पर मैच हुआ, इस टीम ने खेला, ये प्लेयर्स मौजूद थे, इस टाइप के प्लेयर्स मौजूद थे, तो फ्यूचर में कुछ हद तक जनरली प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा। ऑब्वियसली 100% एक्यूरेट तो ये कभी भी नहीं होगा, लेकिन मदद मिल सकती है इसकी प्रिडिक्शन में। इसके लिए पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और पांडा जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए और डेटा एनालिसिस के लिए। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से डेटा इनपुट किया जा सकता है इन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर में। आप ये इनपुट करेंगे कि किस स्टेडियम में कितने मैचेस खेले गए, हर सीजन में एक टीम ने कितने मैचेस जीते, टॉस जीतकर टीम ने बैटिंग करी या फील्डिंग चूज करी, और इस तरह के आउटपुट्स निकल सकते हैं कि किस टीम ने कितने मैचेस जीते हैं इन टोटल सारे सीजन्स में। तो मुंबई इंडियंस टॉप पर आती है, चेन्नई सुपर किंग्स नंबर 2 पर आती है। एक बहुत ही सिंप्लीफाइड एग्जांपल है, आप टॉस के डिसीजंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। ऐसी ही एक एनालिसिस जिसने आईपीएल मैचेस को एनालाइज किया था 2008 से लेकर 2017 के बीच में, इसने ये कंक्लूड किया कि ईडन गार्डन्स और चिन्ने स्वामी स्टेडियम ये दो बेस्ट वेन्यूज हैं अगर आप चेस कर रहे हैं किसी स्कोर को। तो इन दोनों में से किसी एक स्टेडियम में अगर मैच हो रहा है और कोई टीम टॉस जीतती है तो फील्डिंग चूज करना बेटर ऑप्शन रहेगा टॉस जीतकर। ऐसे ही एक और एनालिसिस ने आईपीएल में खेलने वाले सारे प्लेयर्स की बैटिंग एवरेज और स्ट्राइक रेट को देखा और यह कंक्लूड किया कि जो प्लेयर्स 35 की एज से कम थे, ऑन एवरेज उनकी बैटिंग एवरेज थी 24.51 और ऑन एवरेज स्ट्राइक रेट था उनका 126.84, और जो प्लेयर्स 35 की एज से ऊपर थे, ऑन एवरेज उनका स्ट्राइक रेट था 112.1, काफी कम, और बैटिंग एवरेज 21.34। तो इससे ये पता चलता है कि यंगर प्लेयर्स को ज्यादा प्रेफर किया जाना चाहिए अगर एक टीम को अपनी परफॉर्मेंस बेटर करनी है। तो एक सवाल यहाँ आपके दिमाग में शायद आएगा कि ये जो इतना सारा डेटा हम एनालाइज कर रहे हैं, एक्चुअली में कितना डेटा और डेटा की एनालिसिस इसमें से सही में यूजफुल है और कितनी रैंडम है। ये जो मैंने स्टेडियम्स की बात करी कि ये वाला स्टेडियम ज्यादा अच्छा है चेस करने के लिए, इस टाइप के वेदर में ऐसा होगा, इसलिए अब ये भी तो हो सकता है कि ये सारी रैंडम चीजें हों, कोइंसिडेंस की बात हो कि इस स्टेडियम में चेस करने पे ज्यादा आसान हो जीतना। और ऐसा सवाल आपके दिमाग में आएगा तो बिल्कुल लेजिट सवाल है, सही सवाल है, क्योंकि कई डेटा एनालिसिस में रैंडमनेस को भी अकाउंट में लिया जाता है कि ये जो इवेंट्स यहां पर होने लग रहे हैं कितने रैंडम हो सकते हैं और कितने सही में परफॉर्मेंस रिलेटेड हो सकते हैं। एक T20 एनालिस्ट वेस्टर्न का कहना है कि नंबर्स कैन अकाउंट फॉर द अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ ह्यूमन नेचर मोर देन पीपल थिंक। तो अगर रैंडमनेस हो भी रही है यहां पर तो हम उसे एल्गोरिथम में डाल देंगे और उसे वो अकाउंट में लेकर ही यहां पर रिजल्ट निकाला जाएगा, जिससे कि जो एनालाइज होकर डेटा निकला है यहां पे वो और भी ज्यादा एक्यूरेट हो। अब आप यहां पूछोगे कि चलो मान लिया ये चीजें बहुत यूजफुल है और बहुत काम की आती हैं, परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं, आईपीएल टीम बेस्ट आईपीएल टीम बना सकते हैं ऐसा करके, तो कोई करता क्यों नहीं ऐसा? इसका जवाब है दोस्तों कि डेफिनेटली करते हैं। ये बहुत सी आईपीएल टीम्स आज के दिन, ऑलमोस्ट सारी आईपीएल टीम्स डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल करती हैं टीम सिलेक्शन के दौरान। इनफैक्ट 2014 में जब कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रॉफी जीती थी, चैंपियनशिप जीती थी, तो उसके पीछे एसएपी की ऑक्शन एनालिटिक्स को काफी क्रेडिट दिया जाता है। एसएपी जो डेटा एनालिटिक्स की कंपनी है, कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने इन्हें हायर किया था डेटा एनालिटिक्स करने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि किस तरह की टीम सिलेक्शन करी जाए और कैसे किस प्लेयर को कब कहां भेजा जाए, क्या स्ट्रेटेजीज बनाई जाए, जिसके बेसिस पे कोलकाता नाइट राइडर्स ट्रॉफी जीत पाई। एक हॉलीवुड फिल्म है यहां पर जो मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, इसका नाम है मनीबॉल। इस मूवी में यही डिटेल में दिखाया गया है कि एक ऐसी टीम जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, जो टूर्नामेंट हार रही होती है, वो एक बंदे को हायर करती है डेटा एनालिटिक्स करने के लिए और ये जानने के लिए कि कैसे कम पैसे स्पेंड करके वो बेस्ट प्लेयर्स हायर कर सकते हैं ताकि टूर्नामेंट जीत सके।
बड़ी ही इंटरेस्टिंग मूवी है, और अगर आपको इस चीज के बारे में और जानने में इंटरेस्ट है तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करूंगा ये मूवी जाकर आप देखें। लेकिन एट द एंड मैं ऑब्वियसली कहना चाहूंगा ये सारा प्रोबेबिलिटीज का खेल है कि आप अपने चांसेस बढ़ा सकते हो जीतने के इन सारी चीजों को अकाउंट में लेकर, लेकिन कभी भी 100% गारंटी नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल ये क्रिकेट में खेलने वाले सारे आईपीएल प्लेयर्स हैं तो इंसान ही, कोई मशीन तो है नहीं। तो चाहे कितना भी आप हिस्टोरिकल डेटा निकाल लो, एक इंसान इंसान की तरह ही बिहेव करेगा, कुछ ना कुछ रैंडमनेस तो ह्यूमन एरर के अंदर हमेशा रहेगी और रहनी भी चाहिए, तभी मजा आता है इन गेम्स को देखने में। अगर हर चीज इतनी आसानी से प्रिडिक्ट की जा सकती तो कहाँ एंटरटेनमेंट मिलती आईपीएल को देखने से। नीचे कॉमेंट्स में लिखकर ये भी बता सकते हैं अगर ऐसे ही और आप वीडियोज देखना चाहते हैं डिटेल में साइंस को एक्सप्लोर करते हुए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अगर पसंद आया तो, और आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पर या YouTube पे मेंबर बनके ज्वाइन बटन क्लिक करके, जिसके एक्सचेंज में आपको कई एक्सक्लूसिव चीजें मिलेंगी, ताकि ऐसे ही और वीडियोस में फ्यूचर में बनाते रहूं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।